कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो है एक साउथ कोरियन एक्ट्रेस चुन वू ही के बारे में। चुन वू ही को आप इनके मोस्ट रिसेंट ड्रामा द एटिपिकल फैमिली और द एट शो से जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं ये साउथ कोरिया के उन एक्ट्रेस में से हैं जिनके पास 20 ईयर्स का एक्टिंग एक्सपीरियंस है। अपने एक्टिंग करियर में बहुत से सक्सेसफुल रोल्स करने के बावजूद ये एक्ट्रेस अंडररेटेड है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान पाने में कामयाब हो रही हैं। इनकी मोस्ट रिसेंट नेटफ्लिक्स सीरीज द एट शो नेटफ्लिक्स के टॉप 10 शोज में शामिल हो चुकी है, जबकि साथ में इनका एक ड्रामा द एटिपिकल फैमिली भी चल रहा है, जिसमें इन्होंने एक फेमस कोरियन एक्टर चांग की यम के साथ काम किया है। इनका ये ड्रामा भी बेहद पसंद किया जा रहा है। चुन वू ही की एज इस वक्त 37 ईयर्स है। इन्होंने अपने हाई स्कूल के टाइम पे अपने स्कूल का एक ड्रामा क्लब ज्वाइन किया था, जहाँ से इनकी एक्टिंग के शौक का आगाज हुआ। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने अपने इस शौक को फॉलो करने का फैसला किया और एक्टिंग को स्टडी करने के लिए क्योंगी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, लेकिन यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले ही वो कुछ माइनर रोल्स कर चुकी थी। उनका सबसे पहला रोल 2004 में एक मूवी में था जिसका नाम लव सो डिवाइन था। उस वक्त उनकी एज 17 ईयर्स थी। उसके बाद उनको अगला रोल 2006 की एक मूवी हर्ब में मिला। ये रोल भी एक माइनर रोल था। आखिर 2009 में वह एक मूवी मदर में एक स्पोर्टिंग रोल डैन करने में कामयाब हो गई और अपने इस रोल के थ्रू ये इंडस्ट्री में अटेंशन ग्रैब करने में सक्सेसफुल हो गई। 2010 में इन्हें एक और मूवी द बॉय फ्रॉम एपिनीमा में सपोर्टिंग रोल मिला, जो कि फीमेल लीड की फ्रेंड का रोल था। 2011 में चुन वू ही ने एक मूवी सनी में एक सपोर्टिंग रोल किया। इस मूवी में इनकी शॉर्ट लेकिन इंटेंस परफॉर्मेंस इनको बहुत से फिल्म मेकर्स की नज़र में लाने में कामयाब हो गई। ये भी कहा जा सकता है कि ये रोल इनका ब्रेकआउट रोल था। अपने इस रोल के जरिए ये ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई। इसके बाद ये एक लॉन्ग सीरीज वैम्पायर आइडल में अपीयर हुई। इस सीरीज के 79 एपिसोड थे और ये सीरीज 2011 से 2012 तक ऑनगोइंग रही। इस सीरीज में चुन वू ही को फेमस एक्टर्स किम वू पिन और ली सू ह्योक के साथ काम करने का मौका मिला। 2012 में इन्होंने दो मस्जिद मूवीज में सपोर्टिंग रोल किया, लेकिन बिलाखिरे 2013 में अपना पहला लीड रोल लैंड करने में कामयाब हो गई। इस मूवी का नाम हान गोंगजू था। ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड थी, जिसमें एक स्टूडेंट जिसका नाम हान गोंगजू होता है उसकी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी इसमें शेयर की गई थी। अपने इस रोल के जरिए इन्होंने 2015 के पेक्सांग अवार्ड में बेस्ट न्यू एक्ट्रेस इन फिल्म का अवार्ड जीता। और सिर्फ यही नहीं, अपने इस रोल के जरिए इन्हें 9 डिफरेंट अवार्ड शोज में 9 अवार्ड मिले, जो कि बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस, बेस्ट न्यू एक्ट्रेस, मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस, डिस्कवरी अवार्ड और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड थे। यानी एक ही रोल के लिए 9 अवार्ड जीते। इसके अलावा ये इसी रोल की वजह से 4 मजीद बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुई। इस मूवी के साथ साथ इन्होंने 2 मजीद मूवीज में काम किया जिनका नाम थ्रेट ऑफ लाइज और कार्ड था। ये मूवीज भी इनकी इसी मूवी के साथ रिलीज हुई थी और इन दो मूवीज में इन्होंने सपोर्टिंग रोल्स प्ले किए थे, लेकिन इनकी मूवी हान गोंगजू ने इनके लिए कई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल दिए। इनकी अगली मूवी द पाइपर में ये अपने रोल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट हुई। उसी साल ये एक ड्रामा द ब्यूटी इनसाइड में अपीयर हुई, जिसमें हान हेजून, पाक सो जून, दी डोंग वू और कई दूसरे एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका मिला। इस ड्रामा में इनके रोल को बहुत पसंद किया गया। 2016 में इन्होंने फिर हान हेजून के साथ एक मूवी की जिसका नाम लव लाइस था, जिसमें इन्होंने हान हेजू की बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले किया। और उसी साल ये एक और मूवी द वेलिंग में एक मिस्टीरियस रोल के साथ अपीयर हुई। द वेलिंग में अपने इस रोल के लिए ये 7 डिफरेंट अवार्ड शो में 7 बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुई। इन रोल्स के बाद इन्हें 2017 में एक मूवी वन डे में लीड रोल की ऑफर हुई। ये मूवी एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर के बारे में है जिसने अपनी वाइफ की सुसाइड
विटनेस की होती है। उसके इमोशनल स्कार्स तब हील होने लगते हैं जब वो एक कोमा में पड़ी एक औरत के केस पर काम करने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि वो इस औरत की स्पिरिट को देख सकता है। ये मूवी एक रोमांस मूवी है और इस मूवी में अपने रोल के लिए ये 2017 में ट्रेंड पिल अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी। 2017 में ही ये एक ड्रामा द आर्गोन में लीड एक्ट्रेस के तौर पर अपेयर हुई। ये ड्रामा रिपोर्टर्स के गीत घूमता है जो कि दुनिया के सामने झूठी खबरों की बजाय फैक्ट बेस्ड खबरें लाना चाहते हैं। और 2017 में ही चुन वू ही एक और शॉर्ट ड्रामा गर्ल्स ऑन द टॉप में मेन लीड के तौर पर अपेयर हुई। इसके बाद इनकी मूवीज और ड्रामास की लाइन लग गई। इन्होंने 2018 में दो मूवीज में काम किया, 2019 में तीन मूवीज और एक सीरीज में काम किया, जिनमें से एक मूवी आइडल में इनके रोल को बहुत पसंद किया गया, जिसमें इन्हें विल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। 2021 में इन्होंने एक मूवी एंडलेस रेन में मेन लीड के तौर पर काम किया। ये एक रोमांस बेस्ड मूवी थी जिसमें दो अजनबी लोग इत्तफाकन लेटर्स के जरिए एक दूसरे के लिए कम्फर्ट का जरिया बन जाते हैं और एक प्रॉमिस करते हैं कि वो बारिश वाले 31 दिसंबर को मुलाकात करेंगे। इन्हें इस मूवी में अपने रोल के लिए 2021 में गोल्डन सिनेमाटोग्राफी अवार्ड शो में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। 2022 में इन्होंने दो मूवीज द एंकर और आई वांट टू नो योर पेरेंट्स में काम किया और द एंकर मूवी में अपने रोल की वजह से ये तीन अवार्ड शोज में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई। 2023 में इनकी मूवी अनलॉक्ड आई, जिसमें एक हैकर एक लड़की का स्मार्टफोन हैक करके उसके लाइफ से रिलेटेड हर इन्फो हासिल कर लेता है और उसके जिंदगी में एंटर हो जाता है, जिसके बाद वो उसके लिए जानलेवा नुकसान का सबब बनता है। 2023 में ही इनका एक ड्रामा डिलाइटफुली डिसीटफुल आया, जिसमें इन्होंने एक कोर आर्टिस्ट किट का रोल प्ले किया और अब 2024 में ये एक नेटफ्लिक्स सीरीज द एट शो में अपियर हुई है जो कि इस वक्त नेटफ्लिक्स पे ट्रेंड कर रहा है और इस सीरीज में इनके रोल को नेगेटिव रोल होने के बावजूद बहुत पसंद किया जा रहा है। इसके साथ साथ इनका एक ड्रामा द एटिपिकल फैमिली भी चल रहा है और कोरिया के साथ साथ ग्लोबल फैंस के टेंशन को भी ग्रैब कर चुका है। इस ड्रामा में इनका रोल एक कौन आर्टिस्ट का रोल है जो लोगों से धोखे से शादी करके उन्हें लूट लेती है, लेकिन जब ये इसी प्लान के साथ एक नई फैमिली में एंटर होती हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो फैमिली कोई आम फैमिली नहीं बल्कि उसका हर एक फर्द एक सुपर पावर प्रोसेस करता है। इनके इस ड्रामा के अब तक 8 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं और 4 एपिसोड्स रिमेनिंग हैं। अपने इस 20 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ चुन वू ही कोरियन ड्रामा इंडस्ट्री में एक सीनियर के तौर पर जानी जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।